फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो में। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज मैं ये कौन से न्यू वर्ल्ड में, तो गाइज ये न्यू वर्ल्ड नहीं है, एक न्यू SMP है जो कि मैं खेलने जा रहा हूँ। इसमें यार बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि यार मेरे साथ खेलने वाले हैं, या बोल सकते हैं मैं उनके साथ खेलने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यार वीडियो स्टार्ट हुई और एक बंदा भी ज्वाइन हो चुका है, तो यार बहुत अच्छी वाली बात है। एंड पीछे घर किसका है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया हूँ। एंड मैं भाई से पूछूंगा कि भाई यार आप आए हो या नहीं, क्योंकि यार देखो लग रहा है भाई यार मैं उनके घर पर खड़ा हूँ ऐसा लग रहा है, बट यार स्पॉन यहीं पर हुआ हूँ मैं। एंड हाँ, मेन चीज यहाँ पर ये क्या नाम है, तो इसका नाम है हंगामा SMP, ठीक है गाइस। जो कि यार मैं तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हूँ, तो यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या न्यू चीज़ें हैं। एंड जो कि हम करने वाले हैं तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और पहले बता रहा हूँ, इस SMP में जो भी होगा सबसे तगड़ा मैं बनने वाला हूँ, या बोल सकते हो सबसे टॉप बंदा मैं ही होने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसी वीडियो में पता चलने वाला है कि आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम PPP से FP में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे एक विलाख गेमिंग भाई है, तो यार इनसे पूछ लेता हूँ हाय हेलो करके पहले। तो यहाँ पर हेलो ब्रो। Meanwhile, सो गाइस यहाँ पर मैंने भाई से यार बात करी, वो घर किसका, तो बोलते वो मेरा नहीं है, मैं खुद यहाँ पर नया आया हूँ। तो यार वो भी एक्सप्लोरिंग पे कर निकल चुके हैं और मैं भी निकल चुका हूँ। मैंने बस वहाँ से जिसका भी घर था मैंने 6 कैरेट टपा लिया या गायब कर लिया, ठीक है, क्योंकि यार देखो खाना वाना वहाँ पर दिख नहीं रहा था, मेरे को सिर्फ वही दिख रहा था, मैंने 6 कैरेट लगा लिया। और मैंने हाँ प्लेस भी कर दी थी, तो यहाँ पर मैं थोड़े से यार वुड कलेक्ट करने आया हूँ, क्योंकि यार आप लोगों को पता है जो माइनक्राफ्ट की जनरी होती है सबसे पहले वुड ही कटिंग करना पड़ता है, वरना मुक्कों से थोड़ी ना किसी को मार सकते हो। ओके वेट ब्रो, आई नीड सम फूड फर्स्ट। तो यार ये भी लग रहा है मेरे साथ जनरी पे जाने वाला है, मैंने पूछा था, ये देख सकते हो यहाँ पर पूरी की पूरी हमारी चल रही है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत वुड चॉप कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि यार टूल्स जो होते हैं वो मेन होता है फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारी क्राफ्टिंग टेबल निकल चुकी है, और यहाँ पर हम जल्दी से अपनी एक एक्स और एक पिकैक्स बना लेते हैं जो कि मेन रहता है। और यहाँ पर एक रियल नितिन भाई आए हैं, तो जरा चेकआउट करते हैं वो कौन भाई है, यार मिलते हैं इनसे भी हम। ओके गाइस, तो ये हमारे रियल नितिन भाई हैं जिनका नाम नितिन गेमिंग है शायद से, या नितिन विद गेमिंग कुछ ऐसी करके इनका चैनल का नाम है, इनके 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर ही है। तो यहाँ पर बड़े मस्त दिख रहे हैं एकदम आयरन की बनियान पहन के हुए। तो यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ इनसे, ये घर तुम्हारा है क्या? तो यहाँ पर यार इनसे मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ कि ये घर किसका है, क्या किसके है, फिर थोड़ा मतलब समझ सकते हो ना कि यार मेरे को ज़्यादा वो हो रही है कि ये क्या क्या मतलब लोगों ने स्पॉन पे ही घर वो क्यों बना रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं। ओके तो गाइस हम अभी रियल नितिन भाई के ट्री हाउस में, जो कि यार मतलब शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका है, देख सकते हो ये ज़्यादा बड़ा घर है भी नहीं इनका। एंड इन्होंने कुछ स्टफ जैसे वहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस टाइप में इनका घर है, जो कि अभी बहुत ही छोटा है अगर देखा जाए मेरी तरफ से, क्योंकि तुम्हारा भाई हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा बनाता है। और ये भाई लग रहा है गिफ्ट विफ्ट पकड़ा रहा है, बट यार क्या करेगा, सॉर्ड का आयरन सॉर्ड तो वैसे भी मिल जाती है आराम से, इजी पीजी, आप लोगों को पता ही होगा। सो गाइस यहाँ पर तो अभी नाइट हो रही है, तो जल्दी से जल्दी हम सोते और अपनी न्यू जर्नी पर निकलते हैं, क्योंकि यार देखो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन हुई है या कन्वर्शन हुई है वो बहुत ज़्यादा लंबी हुई थी, इसलिए मैंने वो वीडियो को काट दिया यहाँ पर। सो गाइस आप लोगों को सीधा अपनी जर्नी पर मिलते हैं। सो गाइस जैसे मेरा सफ़र स्टार्ट होता है हमारे SMP में, तो मेरे को थोड़ा बहुत यार फूड वूड कलेक्ट करना होता है, तो रास्ते में जितने भी मेरे पास शीप्स या फिर पिग या फिर कह सकते हैं कोई भी जानवर या एनिमल आता है तो मैं उनको मार देता हूँ। तो मेरे को एक विलेज मिलता है जो कि पहले से ही लूटा हुआ होता है, बट यहाँ पर इसके नीचे मेरे को आयरन्स एंड कोयला मिल जाता है, जो कि मैं सारे के सारे ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर एक डे स्टे करके फूड का कलेक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि यार विलेज में देखा जाए तो मेरे को यहाँ पर कैरेट भी मिल गई थी एंड साथ साथ पोटैटो भी मिल गया, तो ये बहुत वाली अच्छी बात थी। फिर मैं आगे और सफ़र पर निकलता हूँ, जो कि यार बहुत ही लंबा सफ़र होता है, क्योंकि आसपास में कोई एक विलेज ढूंढ रहा था या फिर कोई ऐसा स्पॉट ढूंढ रहा था जो कि अच्छा रहे, तो मैं यार बहुत ही दूर जाता हूँ। फिर मैं पानी से निकलने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मेरे को एमेंथेसिस भी मिलता है, अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देखा था आपने। तो इसके बाद थोड़ा सा और दूर जाकर यार मैं अपने कोऑर्डिनेट्स बहुत ही ज़्यादा प्लस करता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं कम से कम 1000 पे पहुँचने वाला था, बट तभी मेरे को एक दिखता है प्लेजर आउटपोस्ट, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये भी लूटा हुआ है। तो यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन स्पॉन के इतने दूर आके यार ये लूट के जा रहा है। फिर मेरे को एक टेंपल मिलता है साथ में, तो यार मैं सोचता हूँ चलो यार इसमें तो कुछ मिलेगा, तो यार देखता हूँ तो ये भी किसी ने ऑलरेडी लूटा हुआ। तो यार कसम से बता रहा हूँ मिल जाए ना वो बंदा बहुत मारने वाला हो, इतनी दूर क्या करने आया था वो, ठीक है। फिर ये सामने विलेज मिलता है वो भी लूटा हुआ था। सो यार इसके बाद फाइनली मेरे को एक ऐसा विलेज मिलता है इस वाले कोऑर्डिनेट पे आकर, जो कि अनलूटेड होता है, जो कि देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड यहीं पर मैं अपना रिकॉर्डिंग जो है ऑफ कर देता हूँ।
सो गाइस, रिकॉर्डिंग का सेकंड डे जैसे स्टार्ट होता है तो मैं यार पूरा का पूरा विलेज लूट ले लेता हूँ और मेरे को यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टफ मिलता है। बट यहाँ पर मैं अपना स्टार्टर बेस बनाने की सोच रहा था तो तभी मेरे को एक ऐसी लोकेशन मिलती जो कि बहुत ही धमाकेदार थी। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर ये लोकेशन दिख रही है, तो यहाँ पर हम अपना स्टार्टर बेस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर मैं अपना वर्क काम करना चालू कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपना ग्राइंड करना चालू कर देता हूँ, जिसमें यार मेरे को बहुत ज़्यादा ही शॉवल इस्तेमाल होती है एंड यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो यार माइनिंग करना स्टार्ट करें। देन मैं माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। सोच लोगे कि मैं माइनिंग कर रहा क्यों हूँ, क्योंकि यार गाइस देखो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था एंड यार शॉवल जो थी वो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को कुछ डायमंड्स ढूंढने चाहिए, देन मेरे को एक ऐसी शॉवल्स मतलब एनचांटेड शॉवल बनानी चाहिए जिससे यार बहुत ज़्यादा आसानी हो। और आपको पता है कि एनचांटेड शॉवल डायमंड्स ढूंढने पड़ते हैं उसके लिए। तो मैं यहाँ पर जैसे ही जंप करता हूँ तो देखो मेरे को यहाँ पर अचानक से ही डायमंड मिल जाते हैं, जिसे मतलब डायमंड बाबा के प्रदर्शन हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। तो मैं ये सारे के सारे यहाँ पर 5 डायमंड निकलते हैं, तो मैं ये 5 के 5 ले जाता हूँ और उसके बाद मैं फिर और स्टार्ट कर देता हूँ यार ढूंढना। तो यार फिर मेरे को और ज़्यादा मेरे को डायमंड्स मिलते हैं, जिससे मैं उन सभी को यार एक लोकेशन जो है जो याद कर लेता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्चून 3 जब मेरे पर आती है तब मैं उन सभी डायमंड्स को निकाल लेता हूँ। सो गाइस, फाइनली यार मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करा एंड देख सकते हो मैं अब भाई नल्ले से भाई आयरन मैन बन चुका हूँ। तो या आयरन मैन का सब कुछ आ चुका है, मेरे पास टूल्स भी आ चुके हैं एंड या पूरा का पूरा सूट भी आ चुका है। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड करा था, बट यहाँ पर ग्राइंड करते करते भाई मेरी बहुत सारी शवल्स एंड आयरन वेस्ट हो रहे थे। तो मैंने फिर माइनिंग करने गया था, आप लोगों को जैसे पता ही था। बट यार फिर आयरन माइन करते हुए मेरे को यार ध्यान आया कि भाई मेरे को एनचांटिंग टेबल बनानी चाहिए जिससे मैं बहुत ही फास्टेस्ट वे में कर सकता हूँ। एंड भाई उसके चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा फिर से ग्राइंड करा। तो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं मैंने क्या क्या बना चुका हूं इस ग्राइंड करने के चक्कर में, या बोल सकते हैं अपना स्टार्टर बेस बनाने के चक्कर में। तो रुको, मेरे को टीपीपी से एपी में आने दो। तो यहां पर मैं आ चुका हूं, तो आप लोगों को दिखाता हूं मैंने क्या क्या प्रोग्रेस करा है। सबसे पहले यार अगर स्टफ की बात करें तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है मेरे को, यार कम से कम 6 घंटे लग चुके हैं इन सभी को करते हुए। और आप लोगों को दिखा देता हूं कुछ इतना स्टफ आया है मेरे पास, इस देख लेना आप, इतना मैं गौर से नहीं बता रहा। एंड मेरे को यार फॉर्चून 2 मिल चुकी है, अनब्रेकिंग 3, और वो कैसे मिली आप लोगों को एक क्लिप दिख रही होगी यहाँ पर। तो मैं गया था जब मेरी 30 XP हो गई थी, 30 XP भी नहीं थी, वो कमी XP थी। और फिर मेरे को यार XP चाहिए थे, क्योंकि मुझे चाहिए थी फॉर्चून 3 कह सकते हो आप लोग। तो या तो मैंने यहाँ पर एक ये चीज़ बनाया जो कि कुछ कह सकते हैं ये इसमें ग्लिच है, या फिर बोल सकते हो कि ये फास्टेस्ट वे है XP लेने का। तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को कुछ इस तरह का चाहिए होता है, देख सकते हो थोड़े वैसे चाहिए। ये सारा आपको क्राउच करके करना पड़ता है गाइज। एंड इसमें मैंने कैल्प उगा रखी है, मेरे पास कुछ था नहीं इसलिए मैंने कैल्प ही उगाई थी इसमें, एंड जिससे मेरी यार 47 XP हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर एक बैरल लगाने वाला हूँ, बैरल लगाने वाला हूँ, इसी के आसपास लगा देते हैं, नेवर माइंड, इसको तोड़ देते हैं यहाँ पर एंड आ जा नॉइस। तो यहाँ पर हम अपना ये रख देंगे, ठीक है। तो उससे पहले रुको, मेरे को देखना कि मेरे को क्या मिलेगा हमारे पिक एक्स पे। तो जस्ट चेकआउट, एफिशिएंसी 4 मिल लिया हमें, और हमारे एक्स पे कितनी मिली हमें, एफिशिएंसी 4 इस पे भी मिल लिया। आई थिंक मेरे को एफिशिएंसी 4 इसमें लेनी चाहिए या नहीं यार, एफिशिएंसी 4 एक्स पे लूँगा तो फिर वैसे बढ़िया भी रहेगा, या फिर शॉवल पे एफिशिएंसी 3, क्योंकि शॉवल का भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैं शॉवल को डिसएन्चांट करना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रुको, वेट, यहाँ पर डिसएन्चांट करके देख लेते हैं हमें क्या शॉवल पे, कुछ और भी अनब्रेकिंग 3 मिल जाए तो मज़े ही आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या मिला, एफिशिएंसी 4। भाई ये स्कैम कर देते हैं कभी कभी यार, गलत बात है यार, कुछ और भी तो दिया करो। एफिशिएंसी 3 दे रहे हैं हम, ये क्यों भाई इतना क्यों, कोई नहीं। यहाँ पर फॉर्चून 2 दे रहे हैं हमारे इसमें, तो मैं फॉर्चून 2 की जगह यार रुको एफिशिएंसी फॉर्चून 2 क्या करूँगा लेकर, और यहाँ पर क्या एफिशिएंसी 3, क्यों भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, रुको वेट बट जस्ट फिर से ट्राई। 30-30 लेवल में इतना घटिया सामान दे रहे हैं, कोई नहीं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा गलत दूंगा, यहाँ पर 1 XP ले, और यहाँ पर इसको डिसएन्चांट करेंगे हम, और फिर यहाँ पर फिर से अब देखते क्या मिलेगा। प्लीज़ कुछ बढ़िया दे दो प्लीज़। अनब्रेकिंग 3 मिल लिया, फॉर्चून 1, अनब्रेकिंग 3 लेके देखता हूँ, क्या पता कुछ मस्त मिले। एंड यहाँ पर इसको भी अनब्रेकिंग, इसको शार्पनेस दे रहा है, मतलब गलत सीन है भाई, कोई नहीं। यहाँ पर देखते क्या, रुको कोई नहीं, यहाँ पर गए हम, यहाँ पर क्लिक करा, एफिशिएंसी फॉर्चून 3 गाइस मिल गया फाइनली, लोल भाई। अब डायमंड्स माइन करने जाएंगे हम यहाँ पर, मच लेटर। ओके गाइस, यहाँ पर हमारा सूरज निकल चुका है, मतलब सन निकल चुका है, एंड फाइनली अब हम माइनिंग करने जा रहे हैं अपने डायमंड जो कि हम छोड़ के आए थे अपनी हवेली में। तो या वापस उसको लेने जा रहे हैं हम, तो वेट यहीं पर है, वो रहा मेरा पिलर्स। तो मैं भाई सीधा डिग अप करके आ गया था, एंड इस बार तो मेरे पास वो भी है, तो यहाँ पर जो है ना इसको भी तोड़ लेते हैं। यहाँ पर रुको बस, जस्ट वेट अ मिनट, क्योंकि मैं लैडर लगाने वाला हूँ और नीचे जब भी मेरे को जाना होगा तो मैं सिंपल आ जाया करूँगा। तो यहाँ पर थोड़े से एक वो बना लेते हैं,
इजी पीजी रहेगा हमारे लिए, एंड एक ये सिंपल, एंड यहाँ पर लैडर्स चाहिए मुझे, आई नीड अ लैडर्स। ओके तो यहाँ पर डायमंड बाबा के दर्शन हो चुके हैं हमें फाइनली, एंड इजी पीजी। और लैपिस भूल गया था मैं पिछली बार, लैपिस भी लेके जाएंगे, लैपिस की कमी भी है बहुत सारी। एंड और भी कुछ है क्या मेरे को, वैसे कोड वोड याद तो है नहीं। और भाई मैं आगे का एक्सप्लोर ही नहीं किया मैंने, लोल पता नहीं मैं क्या करता रहता हूँ भाई। कोई नहीं, यहाँ पर तीन डायमंड हमारे इजी पीजी मिल गए हमें, एंड लैपिस भी है, लैपिस भी गैप करके ले जाएंगे हम। आए भाई देखो आए हैं तो लैपिस तो लेके जाएंगी ठीक है ना। और अरे 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 भाई ये स्कैम ना मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, थोड़ा दूर ही रहता हूँ मैं भाई, बहुत गंदी तरीके से मर रहा था मैं। ओके यहाँ पर लैपिस लैपिस, ओके यहाँ पर सब कुछ ले लिया है मैंने जहाँ तक मुझे लग रहा है, एंड पीछे मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं टॉर्च वॉर्च लाया नहीं हूँ। और यहीं कहीं मेरा आगे वाला भी रास्ता था, यहीं कहीं और डायमंड्स थे जहाँ तक मेरी सिक्स सेंस बता रही है मुझे, सिक्स सेंस कह सकते हो उसे। ओके यहीं कहीं डायमंड्स ही, अरे डायमंड्स। ओके यहाँ पर इजी पीजी डायमंड्स है, और आई थिंक और भी डायमंड्स थे जो कि डीप स्टन में लपेड़े हुए थे, कह सकते हैं डीप स्टन में थे। ओके तो यहाँ पर सेवन डायमंड्स हो चुके हैं। आगे भाई टॉर्च अप मैंने करा ही नहीं, एक्सप्लोर करना भूल गया मैं, चेकआउट करते हैं। ओके यहाँ पर लावा है, बहुत बड़ी केव है, पता नहीं कहाँ है, कहाँ रह गए मेरे पता नहीं डायमंड्स, आधे से ज़्यादा छोड़ के आ गया हूँ मैं कहीं। और ये अंधेरे अंधेरे में भूल कैसे गया था, लग रहा है मेरे पे टॉर्च वॉर्च की कमी पड़ गई थी, नेवर माइंड। एंड इस बार तो मैं लाया भी नहीं कुछ, यहाँ पर होंगे शायद से, ये तो वही केव चल रही है भाई। है कहाँ भाई, है कहाँ डायमंड्स भाई, कसम से ज़्यादा मिले थे डायमंड्स भाई। रुको यार भाई, डायमंड्स कहाँ मेरे, डायमंड्स बता कहाँ है, तुम लोग चोर हो भाई। डायमंड्स मेरे, डायमंड्स कहाँ है लिटरली। ओके फाइनली मिल गए, वही कह रहा था डायमंड्स यहीं कहीं होने चाहिए थे यार, डीपस्टन वाले याद थे मुझे, देख रहे हो। ओके मैंने यहाँ पर पानी डाल देता हूँ यार, खामा का कुछ भी हो सकते भाई, अनहोनी कुछ पता नहीं रहता भाई कब क्या हो जाए। यहाँ पर मैंने कुछ लगा दिया लाइन में, ना 12 हैं अब गिन सकता हूँ मैं ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये फॉर्चून 3 है ना मेरी, हाँ फॉर्चून 3 था, अब देखना माइन करने के। ओके एक मिला, अबे क्या फ़ायदा फिर फॉर्चून 3 का। ओके फाइनली 4, ओके यहाँ पर 3 मिले इससे, एंड 7, ओके नाइस। तो गाइस अभी के अभी जाओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी लिखो कि कितने डायमंड्स मिलने वाले हैं मुझे, जो भी सही जवाब देगा तो उसका नाम ना यहाँ पर जो दिख रहा है ना ये ज़मीन पे, ये यहीं पर तुम्हारा नाम लिख दूंगा मैं ठीक है ना। ओके तो यहाँ पर, और हाँ सिर्फ पहले वाले कमेंट को दूंगा, बाकी जितने भी बंदे आ रहे हैं उनको नहीं बताऊंगा ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके फाइनली ओहो ओहो ओहो, तो यहाँ पर 12 से 25 मिल गए हैं, डबल मिले हैं, क्या फ़ायदा हुआ फॉर्चून 3 का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या फ़ायदा हुआ फॉर्चून 3 का भाई। ओके तो यहाँ पर अब ये लैपिस से भी काम निपटा लेते हैं हम। ओके लैपिस देखते हैं लैपिस कितना, लैपिस तो बहुत ज़्यादा ही मिलना चाहिए, देख रहे हो ऐसे डायमंड्स मिले तो यार मज़ा ही आ जाता है। 64 into यार इतना लैपिस यार क्यों यार, चलो नेवर माइंड भाई 25 डायमंड आ चुके तो यार बहुत ही अच्छी बात है, इससे मैं अब टूल्स बनाऊंगा यार डायमंड्स के, या बाद में देखते हैं। डायमंड्स देखो मेन होता है, 25 डायमंड हमें पहले ही एपिसोड्स में मिल चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हो चुका है हमारे 25 डायमंड अंदर आ चुके हैं, अब मेन चीज़ है हमारा अब बिल्ड बनाना हमें, तो उससे पहले मेरे को थोड़े बहुत बूट चॉप्स करने पड़ेंगे एंड वो बनाना पड़ेगा। तो या मैं सीधे आप लोगों को टाइम लैप्स की तरफ लेके चलता हूँ, घर बनाने वाला स्टार्टर बेस।
ओके गाइस, तो फाइनली यार मैंने कंप्लीट कर लिया एंड फ्यूल व्यूल की सबकी कमी हो चुकी है एंड देख सकते हो मेरा जो आर्मर है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड मैंने इतनी बार एनचेंटमेंट कर ली जिससे यार इस बार मेरे को कुछ अच्छा भी मिला है एंड शॉवल में तो वैसे ही बेकार स्टफ था। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूं, तो वेट थोड़ा ना, वैसे मैं उस साइड मुंडी नहीं कर रहा हूं वरना आप लोग दिख लोगे, तो यहां पर थोड़ा सा ना छुपके चलना है एंड यहाँ पर थोड़ा मुंडी नीचे वीचे करके एंड थोड़ा सा टाडा। सो गाइस फाइनली आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा ये प्यारा सा स्टार्टर बेस कितना ही मस्त लग रहा है एंड टेंपल लग रहा है अगर देख सकें तो। यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो इसको कौन सा भी टेंपल, तो यार बताना कि आप लोगों को ये स्टार्टर बेस लग रहा है या मंदिर लग रहा है। मेरे को मंदिर लग रहा है, ठीक है ना, पहले बता रहा हूँ। एंड नीचे आप लोग देख सकते हो एंड थोड़ा बहुत ना मैंने चेंजेस करे हैं, जैसे टाइम लैप्स में दिखा रहा होगा तो उससे भाई बहुत ही अलग कर चुका हूँ मैं, देख सकते हो। यहाँ पर मिडल में मैंने कुछ ऐसा करा, अगर आप लोगों को डिज़ाइन देखना हो तो एक यूट्यूबर से मैंने ये आइडिया है जो कॉपी किया हुआ है, वैसे पूरा आइडिया कह सकते हैं मैंने उसका 50% लिया है, जैसे मेरे को ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। नीचे खेत वाला डिज़ाइन भी उसी का है, बाकी ऊपर का जो पूरा का पूरा मिडल एंड ये पूरा डिज़ाइन है वो मेरा खुद का ऑन डिज़ाइन है, ये उस वाले से नहीं कॉपी किया हुआ है, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो ये कुछ मेरा खुद का डिज़ाइन है, सिर्फ नीचे नीचे का बेस है। तो मैं उसका चैनल का लिंक भी आप लोगों को डाल दूंगा अगर आप लोग ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो गाइस। ओके तो यहाँ पर जो स्टार्टर बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है फाइनली एंड बहुत सारा प्रोग्रेस भी किया है मैंने। एंड ये जो है ये वेंडिंग ट्रेनर हमें देने के लिए आया था, 5 रुपये में देके गया है वो, 5 एमराइड में, और मेरे पास एमराइड पहले से ही थे, विलेज लूटा था तब, ठीक है गाइस। गाइस तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में कम से कम मुझे 4 दिन तो लग चुके हैं। एंड हाँ, अगर जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ यार लाइक करो, क्योंकि यार बहुत ही अमेजिंग बिल्ड्स आने वाले हैं अब, क्योंकि मैं अब ग्राइंड करना कुछ ज़्यादा ही स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ग्राइंड करता हूँ अब, क्योंकि मेरा एक बहुत ही इंस्पिरेशन मैं किसी यूट्यूबर से ले रहा हूँ, जल्दी आप लोगों को बताऊँगा कौन है वो यूट्यूबर, ठीक है गाइस। तो चैनल पर जो नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जिसने लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।